हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी YouTube चैनल द हंगामा इपिक में। आज मैं इस वीडियो में आप सभी को एक मैसेज देना चाहता हूँ। वीडियो को पूरा देखिएगा। यदि वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट कर दीजिएगा। और हाँ दोस्तों, ऐसी ही नई और रोमांचक वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। दोस्तों, इंसान इतना ज़्यादा सेल्फिश हो चुका है कि वो प्रकृति के बारे में या फिर इस धरती पर रहने वाले दूसरे अन्य जीवों के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोच रहा। इंसान को इस धरती पर रहने वाले जीवों में सबसे सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। परंतु अब तो ऐसा लगता है कि जैसे इससे ज़्यादा मूर्ख कोई अन्य जीव नहीं। जी हाँ दोस्तों, ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जो अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मारने का काम करे उसे मूर्ख की संज्ञा देना गलत नहीं है। मानव कहता है आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है, परंतु ऐसी आवश्यकता किस काम की जो हमें मौत के दरवाजे पर लाकर खड़ी कर दे। अगर मैं इसे सीधे शब्दों में कहूँ तो मनुष्य स्वयं के किए कराए कर्मों का फल भुगत रहा है। इंसानों द्वारा की गई गलतियों की सजा उसे भुगतनी पड़ रही है। आप इसे इन तस्वीरों को देखकर समझ सकते हैं। हिंदू सभ्यता में कुछ ऐसा माना गया है कि भगवान के घर देर है पर अंधेर नहीं। शायद इस बात को अच्छे से प्रदर्शित कर रहा है हमारा वर्तमान। पूरी दुनिया तरह तरह के जीवों से भरी पड़ी है और इनका होना भी बेहद ज़रूरी है, क्योंकि प्रकृति ने सबको एक चेन में बांध रखा है। अगर कोई इस चेन को तोड़ने की कोशिश करता है तो वह है इंसान। दोस्तों, चीन, जापान, इंडोनेशिया, इसी तरह तमाम देश जो जीव हत्या करने और उनके मांस को चखने का शौक रखते हैं, शायद यह भूल कर कि यह धरती सभी की है और यहाँ सभी को जीने का बराबर हक है। दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या मनुष्य यदि मांस का सेवन ना करे तो जीवित नहीं रहेगा? कमेंट में ज़रूर बताएं। किसी भी चीज़ को यदि एक सीमा तक किया जाए तो वह सही है, परंतु जब पानी सर के ऊपर चला जाता है तो भयंकर परिणाम देखने को मिलते हैं, जैसा कि आप वर्तमान में देख सकते हैं। हो सकता है मेरी यह वीडियो हर किसी को पसंद ना आए, परंतु यही सच है। इससे आप और मैं भाग नहीं सकते। दोस्तों, जितना हो सके शाकाहार को अपनाएं और अपनी प्यारी सी धरती को और हरा भरा बनाएं। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में।